Hello children, in this video we will cover question and answer and some other exercise from the chapter A Kabaddi Match from class 6th Maharashtra Board. Question 1. Form pairs, make a list of as many games as you can, at least 25. तो बच्चों, question number 1 में क्या करना है कि हमें 25 games की list बनानी है. Then classify the games using the following criteria. और हमें फिर वो जो भी हमने एटलीस्ट 15 जो गेम्स की लिस्ट बनाई है उन सारे गेम्स को हमें नीचे दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासिफाई करना है, मतलब अलग अलग करके लिखना है. सो पहला क्राइटेरिया है बच्चों, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. तो इंडोर गेम्स वो होते हैं बच्चों जो हम घर के अंदर या चार दीवारी में खेलते हैं, और आउटडोर गेम्स वो होते हैं जो हम बाहर फील्ड में प्लेग्राउंड में खेलते हैं. सेकेंड क्राइटेरिया है गेम्स प्लेड विथ एंड विदाउट एनी इक्विपमेंट. इक्विपमेंट मीन्स बच्चों किसी सामान के साथ, किसी मटेरियल के साथ, औजार के साथ. तो हमें वो गेम्स लिखने हैं जो किसी इक्विपमेंट के साथ खेले जाते हैं या बिना इक्विपमेंट के साथ खेले जाते हैं. जो थर्ड पॉइंट है बच्चों वो है गेम्स विच हैव वन टू वन मैचेस एंड दोज इन विच टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर, सिंगल प्लेयर और टीम. तो कुछ गेम्स वो भी हमें क्लासिफाई करने हैं जो मैचेस के थ्रू होते हैं, या तो वन टू वन सामने सामने टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं. तो फोर्थ क्राइटेरिया है बच्चों गेम्स प्लेड मोस्टली बाय चिल्ड्रन एंड गेम्स प्लेड बाय एडल्ट्स प्लेयर. एडल्ट्स प्लेयर्स मीन्स बच्चों बड़े बच्चे, ठीक है, और चिल्ड्रन्स मीन्स छोटे. तो हमें उन गेम्स को भी क्लासिफाई करना है कि कौन से गेम बच्चे खेलते हैं और कौन से गेम बड़े बच्चे खेलते हैं. शेप एंड साइज ऑफ द कोर्ट ऑफ फील्ड, और हमें गेम को उसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई करना है कि जो भी हम जितने एरिया में वो गेम खेलते हैं, मतलब मैदान कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, उसका कैसा शेप होता है, कैसा उसका साइज होता है. यूज़ द फॉलोइंग फिगर टू शो योर क्लासिफिकेशन. और हमें यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर आप देखोगे तो कुछ फिगर दिए हुए हैं, कुछ इमेजेस दी गई हैं, और उनके अकॉर्डिंग हमने जो भी क्लासिफिकेशन करेंगे उन फिगर्स में लिख देंगे. मैंने कुछ क्लासिफिकेशंस किए हुए हैं बच्चों, जो हमें शेप दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने गेम्स को क्लासिफाई किया है, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. इंडोर गेम्स में होता है डार्ट्स, कैरम. आउटडोर गेम्स में आते हैं साइकिलिंग, फुटबॉल. नेक्स्ट है बच्चों प्लेड विद इक्विपमेंट, प्लेड विदाउट इक्विपमेंट. तो हमें कौन से गेम खेलने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हॉकी एंड टेनिस, राइट. हॉकी भी हम हॉकी स्टिक से खेलते हैं और टेनिस के लिए हमें टेनिस बैट की ज़रूरत पड़ती है. और कबड्डी और खो खो खेलने के लिए हमें कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट गेम है बच्चों सिंगल प्लेयर और टीम. तो हमें यहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन किया कि कौन से हम सिंगल प्लेयर के साथ खेलते हैं गेम और कौन से हम टीम में खेलते हैं. तो सिंगल प्लेयर में हम खेलते हैं चेस, स्विमिंग, और टीम में हम खेलते हैं वॉलीबॉल और बास्केटबॉल. गेम्स मेनली प्लेड बाय किड्स तो और चिल्ड्रन. तो जो गेम्स हम क्या बच्चे जो खेलते हैं वो कौन से गेम होते हैं बच्चों, डाइस, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई. गेम्स मेनली प्लेड बाय एडल्ट्स, और कौन से गेम जो बड़ों द्वारा खेले जाते हैं बच्चों, वो होते हैं रेसलिंग और गोल्फ. बच्चों यहाँ पे हमने गेम्स को उनके शेप और साइज ऑफ फील्ड के हिसाब से लिखा हुआ है. ओवल शेप ग्राउंड, तो क्रिकेट में हमें ओवल शेप ग्राउंड चाहिए होता है. डायमंड शेप ग्राउंड हमें बेसबॉल में चाहिए होता है. स्क्वायर शेप ग्राउंड हमें बॉक्सिंग में चाहिए होता है. और रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड हमें बैडमिंटन में चाहिए होता है. तो बच्चों ये क्लासिफिकेशन मैंने अपने अकॉर्डिंग किए हैं, पर अगर आपको भी कोई भी चेंजेस करने हों किसी भी गेम के क्लासिफिकेशन में तो आप न्यू गेम को भी ऐड कर सकते हैं. क्वेश्चन 2. रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कबड्डी मैच एंड डू द फॉलोइंग. तो हमें क्या है बच्चों, जो चैप्टर में हमें कबड्डी मैच के बारे में दिया गया है, जो बातें बताई गई हैं हमें उन्हें पढ़ना है, और जो नीचे पॉइंट दिए हैं उनके हिसाब से उन्हें लिखना है. नोट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेयर एंड से वेदर ईच वन बिलोंग्स टू 9A और 9B. तो हमें क्या करना है बच्चों, चैप्टर को पढ़ना है और उन्हें क्लासिफाई करना है कि 9A में कौन कौन से बच्चे थे और 9B में कौन कौन से प्लेयर थे. तो 9A में थे गोविंद, मंगेश, सोहन, विवेक, और 9B में था सुरेश,
रवि, मोहन, विनोद, अजिंक्य, मिहिर. पॉइंट टू, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स द इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द फर्स्ट हाफ. तो बच्चों, हमें चैप्टर को पढ़ के जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए होते हैं गेम के फर्स्ट हाफ में, उनके बारे में लिखना है. 9A won the toss and sent their raider Govind. तो 9A ने टॉस को जीता और उन्होंने गोविंद को भेजा. He touched Suresh from 9B. A point was scored for 9A. तो और गोविंद ने क्या किया कि उसने 9B के सुरेश को टच किया और 9A को क्या हुआ बच्चों, एक पॉइंट मिला. मंगेश फ्रॉम 9A went for rapid. तो उसके बाद कौन गया, 9A से मंगेश गया. ही सक्सेसफुली टच मिड लाइन इवन दो ही वॉज होल्ड बाई 3 एंटी राइडर्स. और मंगेश ने क्या किया कि उसने जो टच लाइन होती है, विनिंग लाइन होती है, उसको बहुत अच्छे से टच कर लिया, और जबकि उसको तीन लोगों ने, अपोजिट टीम के तीन लोगों ने पकड़ा हुआ था. रवि, मोहन एंड अंजिकया फ्रॉम 9B वर डिक्लेयर्ड आउट एज दे वर टचिंग मंगेश. तो तीन लोग, रवि, मोहन और अंजिकया, आउट डिक्लेयर हो गए क्योंकि उन्होंने उस वक्त मंगेश को पकड़ा हुआ था. 3 points वर स्कोर फॉर 9A. तो 9A ने क्या किया कि 3 points स्कोर कर लिए. मिहिर फ्रॉम 9B टच्ड सोहन फ्रॉम 9A एंड स्कोर फर्स्ट पॉइंट फॉर हिज टीम. तो 9B के मिहिर ने क्या किया कि उसने सोहन को टच किया और उसने अपनी टीम के लिए एक पॉइंट स्कोर कर लिया. विवेक फ्रॉम 9A वेंट फॉर द रेड एंड रिमेनिंग 3 players ऑफ 9B ट्रैप्ड हिम. तो उसके बाद क्या होता है कि जो विवेक है 9A का, वो जाता है अपोजिट टीम में और अपोजिट टीम के 9B के जो तीन बच्चे, उसे क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं. बट विवेक स्लिप्ड हिज लेग बियॉन्ड मिड लाइन विद द एंटी राइडर्स स्टिल हैंगिंग ऑन हिज आर्म. और क्या होता है कि विवेक अपने लेग को थोड़ा स्लिप करता है और मिडिल लाइन को टच कर लेता है. द होल ऑफ 9B टीम वॉज डिक्लेयर आउट. और उसके बाद क्या होता है कि 9B की जो पूरी टीम है वो क्या होती है, आउट डिक्लेयर हो जाती है. 9A had actually managed to get 3 more bonus points of Lona. और जो 9A है वो क्या करती है, वो मैनेज करती है कि उसे 3 और point मिल जाते हैं. पॉइंट सी, राइट इन योर ओन वर्ड्स वॉट हैपन इन द सेकेंड हाफ. तो बच्चों, पॉइंट सी में हमें ये बताना है कि सेकेंड हाफ में क्या हुआ. After the half time break, the players of 9A were full of confidence. तो क्या होता है कि जो 9A के players हैं वो बहुत confidence में आ जाते हैं second half में. They managed to catch hold of the ace riders Mohan, Ajikaya and Ravi. और वो क्या करते हैं कि जो 9B के best player होते हैं उनको hold कर लेते हैं. 9A outplayed 9B in all the areas of kabaddi. और 9A क्या करती है कि बहुत अच्छे से, हर तरीके से वो सारे 9B के players को आउट कर देती है मैच में. 9A won the match. और 9A क्या होता है बच्चों, मैच जीत जाती है. पॉइंट डी, चूज एनी वन इवेंट एंड ड्रॉ डायग्राम टू शो व्हाट हैपेंड. और आपको क्या करना है कि अपने चैप्टर को पढ़ना है और उसमें से कोई भी, जो भी बातें हुई हैं इतनी सारी कि 9A के प्लेयर 9B की टीम में के पास गए और या 9B के प्लेयर 9A की टीम में आए, उससे रिलेटेड आपको एक फ़ोटो ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने आपकी बुक्स के चैप्टर से ये फ़ोटो लगाई है. पॉइंट थ्री, लिस्ट ऑल द वर्ड्स स्पेशली यूज इन द गेम ऑफ कबड्डी. तो हमें बच्चों इसमें क्या करना है कि हमें एक लिस्ट बनानी है जो कबड्डी के गेम में वर्ड्स यूज होते हैं. जो वर्ड्स यूज होते हैं वो हैं रेडर, रेट, एंटी रेडर, सक्सेसफुल रेट, सुपर रेट, बोनस पॉइंट, ऑल आउट, कैंट, परस्यू, डू और डाई रेट, टैग, लोना. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो कबड्डी गेम में यूज होते हैं. पॉइंट फोर, फ्रॉम द इंटरनेट और अदर सोर्सेस फाइंड द अदर नेम्स बाई विच कबड्डी इज नोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री एंड द वर्ल्ड. तो बच्चों, इसमें क्या करना है कि हमें ये सर्च करना है इंटरनेट से या बहुत सारी बुक पढ़ के कि कबड्डी को हमारी कंट्री में और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में
क्या नाम से बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने अपने देश के कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं जहाँ पे कबड्डी को डिफरेंट नाम से बोला जाता है, और कुछ कंट्रीज़ के भी नाम दिए हैं जहाँ पे कबड्डी के नाम डिफरेंटली बोले जाते हैं। पॉइंट 5, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर नीडेड टू बी अ गुड प्लेयर ऑफ कबड्डी, व्हाट शुड यू डू टू डेवलप ईच, डिस्कस दिस इन ग्रुप्स ऑफ 5 एंड राइट अ कंपोजिशन ऑन इट। तो बच्चों हमें क्या करना है इस पॉइंट में कि हमें ये लिखना है और ग्रुप में बैठ के कि एक गुड कबड्डी प्लेयर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। गेम ऑफ कबड्डी रिक्वायर्स गुड हेल्थ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजिक स्किल्स एंड अबव ऑल ग्रेट डिटर्मिनेशन। तो जो कबड्डी का प्लेयर है बच्चों उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, और इन सब से ऊपर उसको बहुत डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि उसे गेम जीतना है। द गेम कॉल्स फॉर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्विक रिस्पॉन्स। तो बच्चों इस गेम में क्या होना चाहिए प्लेयर के अंदर कि उसके मसल्स का कोऑर्डिनेशन, हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए ताकि किसी को चोट ना लगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए कि कब उसको किसको टच करके लाइन टच करनी है, और जल्दी से उसे रिस्पॉन्स करना आना चाहिए। फॉर अ सिंगल प्लेयर टू टेक ऑन 7 ओपोनेंट्स इन नॉट एन ईजी टास्क। तो एक प्लेयर जब दूसरे अपोजिट टीम में जाता है तो वहाँ पे 7 प्लेयर्स ऑलरेडी होते हैं, तो उनको हैंडल करना कोई ईजी बात नहीं है। इट रिक्वायर्स टेयर एज वेल एज एन एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड एंटिसिपेट द ओपोनेंट्स मूव। और उस समय क्या होता है जब अकेला बंदा 7 प्लेयर्स की अपोजिट टीम में जाता है तो उस बंदे का जो माइंड है वो बहुत कंसंट्रेशन में होना चाहिए, और बहुत जो भी उसके अपोजिट टीम के लोग मूवमेंट ले रहे हैं उसका ध्यान उस पर होना चाहिए। अचीव दीज स्किल्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड। और इतनी सारी चीज़ों के लिए क्या होता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है और कबड्डी को खेलने की रोज प्रैक्टिस चाहिए होती है। पॉइंट 6, रीड द फॉलोइंग नोट फ्रॉम अ स्कूल गर्ल्स डायरी। तो हमें क्या करना है कि बच्चों एक स्कूल गर्ल की डायरी पे एक नोट दिया है, इसे पढ़ना है। मिस फर्नांडिस इज आवर न्यू क्लास टीचर, शी इज स्लिम एंड फिट इवन एट द एज ऑफ 50, विथ हर ग्रे हेयर स्पेक्स एंड प्लेन फॉर्मर क्लोथ शी लुक सो स्ट्रिक्ट। तो उस बच्चे ने लिखा है कि उसकी जो न्यू क्लास टीचर है उनका नाम है मिस फर्नांडिस, ठीक है, और वो बहुत पतली हैं, बहुत फिट हैं, इवन उनकी एज कितनी है 50, और उनके जो ग्रे हेयर वाइट बाल हैं, जो उनका चश्मा है, और प्लेन फॉर्मल क्लोथ्स में वो कैसी दिखती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट दिखती हैं। बट वी डिस्कवर दैट हर क्लासेस कैन बी ग्रेट फन, वी बिगिन ईच क्लास विद अ सिंपल 2-मिनट गेम और एक्टिविटी। टुडे वी हैड टू राइट एज मेनी वर्ड्स बिगिन विद ए एज वी कुड विद इन 60 सेकेंड। आई रोट 50, आई गॉट अ पैट ऑन माई बैक For making the best efforts, I feel on top of the world. तो वो आगे उसने लिखा है कि जो मिस फर्नांडिस की क्लास है वो बहुत इंगेजिंग होती है, उसमें बहुत एक्टिविटी होती है और उन्हें बहुत मज़ा होता है। और डेली क्या होता है कि मिस फर्नांडिस कोई एक एक्टिविटी कराती हैं, तो जो आज की एक्टिविटी थी वो ये थी कि बच्चों को ए वर्ड से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स लिखने थे 60 सेकेंड के अंदर, और उसने कितने वर्ड्स लिखे, उसने 50 वर्ड्स लिखे, और मिस फर्नांडिस ने उसकी पीठ पे थपथपाया, उसे शाबाशी दी कि उसने इतना अच्छा एफर्ट लिया। राइट डायरी एंट्रीज फॉर द इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन योर स्कूल, राइट एटलीस्ट 3 एंट्रीज। तो बच्चों आपको क्या करना है कि आपको 3 डायरी एंट्रीज लिखना है उस पे जो आपके स्कूल में कोई बहुत इंपॉर्टेंट या कोई बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ है, तो आपको एटलीस्ट 3 डायरी एंट्रीज लिखनी है। तो बच्चों डायरी एंट्री लिखते समय हम सबसे पहले डे, डेट और टाइम लिखते हैं, तो मैंने वैसे फॉर्मेट में लिखा है। डियर डायरी, टुडे वॉज माई फर्स्ट डे इन माई न्यू स्कूल, इवन दो आई मिस्ड माई प्रीवियस स्कूल, आई लाइक इट हियर। ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर न्यू एक्सेप्ट रुद्र माई बेस्ट फ्रेंड, हिज फादर गॉट ट्रांसफर हियर जस्ट लाइक माई। The very first day, teachers explained the syllabus structure, teaching strategies and assignment arrangement. I'm just waiting to make new friends and learn a lot new things.
सो बच्चों, इस डायरी एंट्री में एक बच्ची ने अपने न्यू स्कूल को ज्वाइन करने का एक्सपीरियंस लिखा है। उसने ये लिखा कि आज उसका स्कूल का नया दिन था और उसे वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट पसंद आए और वहाँ पे एक रुद्र नाम का लड़का था जो वहाँ पे उसी की तरह उसका भी पहला दिन था और स्कूल में जो भी उसके नए टीचर थे उन्होंने उसे सिलेबस बताया, स्ट्रेटजीज बताई और कैसे कैसे असाइनमेंट मिलेंगे वो बताया। और वो बहुत वेट कर रही है कि वो नए नए और फ्रेंड्स बनाएगी और नई नई न्यू चीज़ें स्कूल में सीखेगी। यहाँ पे हमें एटलीस्ट 3 डायरी एंट्रीज लिखनी थी, तो मैंने 1 डायरी एंट्री लिख दी है, रेस्ट बाकी की 2 आप खुद से करिए। 7 लैंग्वेज स्टडी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। वी यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टू शो कंपैरिजन। तो हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के बहुत सारे फॉर्म यूज करते हैं टू शो कंपैरिजन। और कंपैरिजन क्या होता है, दो चीज़ों में, बहुत सी चीज़ों में क्या करना, तुलना करना। दे आर नोन एज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और वो क्या होते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहे जाते हैं। पॉजिटिव, मंगेश वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज रवि। तो अगर हम पॉजिटिव करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो मंगेश है वो भी रवि के जितना स्ट्रॉन्ग है। शी इज टॉल एज हर सिस्टर। तो और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है कि वो भी उतनी ही लंबी है जितनी उसकी बहन है। कंपैरेटिव, अगर हम कंपेयर करके जो करते हैं बच्चों उसमें क्या होता है, मंगेश वॉज स्ट्रॉन्गर देन अदर प्लेयर्स। तो हम ये करते हैं कि जो मंगेश है वो बाकी प्लेयर से क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हमने कंपेयर किया है मंगेश को बाकी प्लेयर्स के साथ। शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर, और यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो जो लड़की है वो अपनी बहन से ज़्यादा लंबी है। सुपरलेटिव, मंगेश वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो इसमें हम ये बता रहे हैं कि मंगेश जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था पूरी टीम में। द सिस्टर इज द टॉलेस्ट अमंग द 3। तो और इसमें हम बता रहे हैं कि जो वो सिस्टर है वो सबसे लंबी है। नोट दैट वी यूजली एड ESTE टू शॉर्ट एडजेक्टिव्स एंड यूज मोर और मोस्ट द लॉन्गर एडजेक्टिव्स। तो बच्चों, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो जो छोटे एडजेक्टिव होते हैं उनमें हम ER और EST यूज करते हैं और जो बड़े एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं उनमें हम मोर और मोस्ट यूज करते हैं। हाई, हायर, हाईएस्ट। तो हाई बच्चों शॉर्ट एडजेक्टिव वर्ड है, तो उसमें हमने ER और EST को ऐड करके हायर और हाईएस्ट बनाया। नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, इसी तरह हमने नाइस में ER और EST को ऐड करके वर्ड्स बनाए। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग क्या है बच्चों, लॉन्गर एडजेक्टिव वर्ड है, तो उसमें हमने मोर और मोस्ट को ऐड किया तो वो हुआ मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव एंड मोस्ट अट्रैक्टिव, तो हमने अट्रैक्टिव में भी मोर और मोस्ट को ऐड किया। पॉइंट 8, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन आइडिया। तो बच्चों, इस पॉइंट में हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं और उन्हें हमें खुद अपने आइडिया लगा के कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वन है, द प्रिंसेस वॉज एज फेयर एज डव। डव इज अ काइंड ऑफ अ वाइट बर्ड। ओके, तो जो प्रिंसेस हैं वो इतनी ही गोरी हैं जैसे एक बर्ड डव गोरी होती है। द प्रिंसेस वॉज फेयरर देन हर यंगर सिस्टर। और सेकेंड पॉइंट में हमने किया कि जो प्रिंसेस है वो अपनी बहन से, छोटी बहन से ज़्यादा गोरी है। प्रिंसेस वॉज द फेयरेस्ट अमंग ऑल गर्ल्स इन हर किंगडम। तो जो बच्चों थर्ड पॉइंट है उसमें ये है कि जो प्रिंसेस है वो सबसे ज़्यादा फेयर है जितनी भी लड़कियाँ उसके साम्राज्य में हैं। पॉइंट 9, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड नेम द डिग्री ऑफ कंपैरिजन शोन बाय ईच। तो हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनका कंपैरिजन ऑफ डिग्री भी लिखना है। गुड, पॉजिटिव डिग्री, बेटर, कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, बैड, पॉजिटिव डिग्री, वर्स, कंपैरेटिव डिग्री, वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। चिल्ड्रन, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर kindly write it down in comment box and also like, subscribe and share this channel. Thank you.